हे दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राउटिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कि राउटिंग क्या होता है, राउटिंग क्यों यूज किया जाता है, राउटिंग का क्या क्या मेरिट पार्ट है और कैसे उसे रियल टाइम में यूज किया जाता है। सो दोस्तों, वेलकम टू टोटल आईटी ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल, चलिए शुरू करते हैं। अगर अपने टोटल आईटी ट्रेनिंग का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के लिए लाल रंग का इस बटन पे क्लिक करे और इस बेल आइकॉन पर भी, इससे आपको आने वाले हर वीडियो का अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि राउटर एक डिवाइस होता है जो आपका एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को जोड़ने के लिए यूज में लाया जाता है। दोस्तों, राउटर जो आपका काम करता है कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कराने के लिए एक नेटवर्क से दूसरा नेटवर्क पे, उस पर आपका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का राउटिंग होता है। अब मैं आपको अगर एक सिंपल एग्जाम्पल में राउटिंग का मतलब बता पाऊं, राउटिंग दोस्तों होता है जस्ट लाइक जैसे हम लोग किसी भी प्लेस पे जाते हैं तो बहुत तरह का बोर्ड मार्क्स मिलता है, रोड मैप में सिग्नल्स मिलता है जिसके जरिए हम किसी भी डेस्टिनेशन पे पहुंच पाते हैं। सेम दोस्तों, उसी तरीके से नेटवर्क पे राउटिंग्स होता है जिसके जरिए हम उसे ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि आपको जो ये डेटा है वो किस लोकेशन पर ले जाकर के यूजर को देना है। सो दोस्तों, राउटिंग का डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है जिसमें आपका है लाइक फर्स्ट होता है आपका स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग होता है दोस्तों जो हम किसी एक राउटर से दूसरा राउटर को डायरेक्टली उसको एक इंफॉर्मेशन दे कि आपको इस तरीके से यहां तक पहुंचना है। फॉर एग्जांपल मैं इसका लूं तो आपको मैं कोई एक्स डायरेक्शन पे खड़ा करता हूं और मैं आपको सीधा बोलूं कि ये वाई डायरेक्शन है, आपको इसके साथ ही कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करना है। अगर कोई नेक्स्ट लाइक ए बी सी कोई और यूजर आए तो आपको उसके साथ कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश नहीं करना है, और अगर करना है तो मैं उसके लिए आपको मैनुअल एड्रेस बताऊंगा, नोटिफिकेशन आपको दूंगा, देन आप जाकर उसे कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करोगे। ये दोस्तों स्टैटिक राउटिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। नेटवर्क पे इसका यूज किया जाता है कि जब आपको किसी इंडिविजुअली कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना पड़ता है, आपको पता है कि मेरे नेटवर्क पे दो तीन राउटर्स है और मुझे एक दूसरे से कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करवाना है और आपको उसका पूरा इन्फॉर्मेशन है डेस्टिनेशन का, तो आप उसे डाल के उसे कम्युनिकेट करवा सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट निकल के आता है वो होता है डिफॉल्ट राउटिंग। दोस्तों होता है जो कि बाय डिफॉल्ट आपका राउटर पे इंप्लीमेंट होता है, जो भी आपके राउटर के इंटरफेस होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया था कि सीरियल इंटरफेस होता है और फास्ट इथरनेट, इथरनेट, गीगाबिट इथरनेट आपके राउटर्स पे अवेलेबल होते हैं। तो ये दोस्तों जो आपका डिफॉल्ट राउटिंग होता है वो इंडिविजुअली आपका राउटिंग इन सारे इंटरफेस के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर देता है अलग अलग नेटवर्क रहने पर भी, जिसको हम दोस्तों डिफॉल्ट राउटिंग बोलते हैं। ये दोस्तों बाय डिफॉल्ट आपके राउटर पे इनेबल होता है। और इसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट निकल करके आता है वो होता है डायनेमिक राउटिंग का। डायनेमिक राउटिंग दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए हमें हमारा डेस्टिनेशन के बारे में पता नहीं भी हो तो हम अपने सिर्फ जो भी मेरे नेबर है उसके बारे में हमें आइडिया हो तो हम आगे के सारे सारे नेटवर्क से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों रियल टाइम में बात किया जाए तो सबसे ज्यादा आपका डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज किया जाता है जिसके जरिए दोस्तों को आपका नेटवर्क का कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करवाया जाता है। इसमें दोस्तों हमें पूरे का पूरा नेटवर्क का आइडिया नहीं रखना पड़ता, हमें नहीं पता होना चाहिए कि मेरे इंटायर नेटवर्क पे कितने राउटर्स है, कितने सिस्टम है, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमें उन सबके बारे में आइडिया नहीं रखना होता। हमें सिर्फ मेरे नेबर जो भी मेरे अगल बगल के राउटर्स है उसके बारे में हमें सिर्फ आइडिया होता है और हम कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके जरिए हम इसे कॉन्फ़िगर कर पाते हैं। सो दोस्तों डायनेमिक राउटिंग के कुछ प्रोटोकॉल्स आते हैं जैसे लाइक है आपका रिप वर्जन 1, रिप वर्जन 2, ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी, आईजीआरपी। दोस्तों इन सारे प्रोटोकॉल्स का मैं आपको डीपली इंट्रोडक्शन आने वाले वीडियोस में दूंगा जिसके बारे में उसके फंक्शंस, इंप्लीमेंटेशन एक्सेट्रा के बारे में भी देखेंगे। दोस्तों राउटिंग जो कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए हम पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपका, आज कोई भी वर्ल्ड में आप कुछ भी यूज करते हो किसी भी कम्युनिकेशन को विद इन हेल्प ऑफ राउटिंग के ही हो पाता है। अगर हम राउटिंग एस्टेब्लिश ना करें तो ये दोस्तों कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दोस्तों आपका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो या किसी भी तरह कोई सुझाव हो तो प्लीज उसे मेरे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और टोटल आईटी ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।